हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा दोस्तों ये है हमारा लेसन नंबर फाइव ठीक है लेसन नंबर फाइव किसका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स का ठीक है एक तरीके से मैं आपको फैक्ट्स की रिविजन कराती हूँ बिकॉज ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि तथ्य हैं ये एक वन लाइनर की तरह है ठीक है एमसीक्यू में सारे एग्जाम यू जी नेट ले लो जे आर एफ पी जी टी टी जी टी जे एन यू एंट्रेंस पी एच डी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस ठीक है जो भी आपके डी ट्रिपल एस पी ठीक है जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं फैक्चुअल बेसिस में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते ही आते हैं ठीक है तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये डेली मैं आज चला रही हूँ सुबह छः बजे ताकि आपको सुबह सुबह ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले आप उसको आ, नोट करो एंड पूरे दिन फिर क्या करो आप दो तीन बार उसे रिवाइज़ करो ताकि आप जो कहते हो ना कि ईयर याद नहीं होते ये फैक्ट याद नहीं होता ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं होती तो वो सब इसमें आपको इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से आपको याद हो जाएगा ठीक है अब इस सीरीज़ को आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रखूँ तो आपको क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए मुझे जितने ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इस वीडियोज़ की उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके दिन में आएंगे वीडियोज़ और भी सब्जेक्ट के लिए आएंगी राइट तो ये सारा चीज़ें आपके भरोसे है तो आप इसे कर लीजिए राइट चलो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना बिकॉज मैं यू नेट हो गया एस के पेपर ये सब पूरे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस पूरी पड़ी हुई है ठीक है एक एक घंटे मतलब तो एक पेपर में हम दो दो घंटे लगाते हैं दो दो पार्ट में मतलब तो एक दिन एक घंटा एक दिन इस तरीके से तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है चैनल पे देख लीजिएगा आप चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वाला सीरीज़ पहला है फैक्ट बुक का ठीक है बुक के लिए मैंने ये ऐसे कोट लगा रखे बट मैं ये डालती हूँ ठीक है जिस इस बुक का को इं, इंपॉर्टेंट होता है ईयर उसका मैं आपसे पूछ लेती हूँ आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना ही देना है क्योंकि ऐसे ही आपको याद होगा ठीक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये बुक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखी थी कौन है इसके राइटर ऑथर दिस इज़ अर्न फ्रेडरिज आपके स्कूमाचर राइट आंसर शिवमाचर की बुक है ठीक है स्मॉल इज ब्यूटिफुल एक लाइन है इफ़ यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू अवर इनहेरिटेंस वी मस्ट एटलीस्ट इंश्योर दैट द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एडवाइज एंड नॉट पैरिश ठीक है हम क्या बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट है यदि हम अपनी विरासत में योगदान नहीं दे सकते तो हमें कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो विविधता मौजूद है जो हमें चीज़ें मिल रखी है उसको हम उतना ही बचा के रखें उसको हम नष्ट ना करें ठीक है कौन है ये भाई चार्ल्स टेलर टेलर बोलते हैं इस तरीके से सोर्सेस ऑफ़ द सेल्फ ये भी एक बुक है चार्ल्स टेलर के द्वारा अच्छा स्मॉल इस ब्यूटीफुल का ईयर इंपॉर्टेंट है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ बाकी इतने ज़्यादा आज बुक के इत सारी बुक्स के ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ठीक है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ आपके चार्ल्स टेलर की बुक है ठीक है नेक्स्ट है आपका मल्टीकल्चरल एंड प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन ये भी एक बुक है किसकी चार्ल्स टेलर की बहु संस्कृति और मान्यता की समस्या ये चार्ल्स टेलर की ही बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और मल्टीकल्चरल कल्चर ओडाइसी ठीक है नागरिकता ओडाइसी ये किसकी है दिस इज विल किमलिका ठीक है आपके मल्टीकल्चरल कल्चरल विल किम्लिका की बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप एंड मल्टीकल्चरल ओडाइसी ये मेरे साथ साथ याद करो सारे इस लोग डाइवर्स कल्चर ऑफर कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव विविध संस्कृति ठोस विकल्प प्रदान करती है भाई कौन कहता था ये विलकमली का और कौन कहेगा ठीक है एम गटमेंट का क्या कहना था लेट्स सी ई गटमेंट क्या कहती थी एम गटमेंट का कहना था द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज मेजर चैलेंज ऑफ मल्टीकल्चरिज्म इज रियलाइजिंग सोशल जस्टिस ठीक है बहु संस्कृतिवाद की बड़ी चुनौती ये है कि सामाजिक न्याय को साकार करना कि किस तरीके से सामाजिक न्याय कर मिले उस पर बात करती थी वो एक और स्टेटमेंट है वाइल प्रपोजिंग अ सिंगल शेयर्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज फॉल्स रिलाइंग ऑन डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग इज डेंजरस क्या बोला था उन्होंने एक साझा संस्कृति समझ का प्रस्ताव करना गलत है जबकि जो प्रमुख समझ है उस पर भरोसा करना और भी डेंजरस है ठीक है ये किसने कहा था एम ई गठमेन ने ठीक है आर्थर शेल सिंगर का बिलीव क्या था कि मल्टी रेस द डेंजर ऑफ डाइव डिविजर पार्टिकुल का मानना था कि वाद, वादी के विभाजन के खतरे को बढ़ावा देता है राइट नेक्स्ट आपका फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ था क्रिटिसाइजिस मल्टी कल्चरलिज्म पावर टू ग्रुप्स थ्रू लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस इन डिफरेंट कल्चर अब ये क्या है कि नारीवाद की जो विचारधारा है ना वो बहु संस्कृतिवाद की आलोचना करती है क्यों क्योंकि ये कानूनी मान्यता के माध्यम से समूह देखो मल्टी कल्चरल में हम क्या करते हैं अलग अलग कल्चर के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं समूहों की शक्तियाँ प्रदान करते हैं और विभिन्न संस्कृतियों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं की रक्षा करते हैं जो आपके कल्चरल कुछ roles, ऐसे सोशल रोल्स या फिर कल्चरल ऐसे प्रैक्टिसज़ है जो फीमेल के अगेंस्ट हैं उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है इस वजह से इसको क्रिटिसाइज आलोचना की जाती है री थिंकिंग ये भी एक बुक है किसकी बुक है भीकू पारेख की बुक है ये ठीक है भीकू पारेख जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर लो कमेंट करके जाना बिना कमेंट करे लाइक करे बिल्कुल नहीं जाओगे और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो ठीक है जेम्स डडली ने प्रमोट किया था एंशंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म जेम्स डडली ने प्राचीन संविधानवाद को बढ़ावा दे दिया था जो विविधता बहुलता का सम्मान करते थे ठीक है अच्छा ये बुक है स्ट्रेंज मल्टीप्लीसिटी ये भी एक बुक है किसकी है ये जेम्स डटली ऑब्वियसली हम यही पढ़ रहे हैं ठीक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब याद होने चाहिए आपको पोस्ट मॉडर्निज्म ठीक है पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है दैट बिलीव्स दैट वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी इज एन आउटडेटेड डिस्कस्ड अंडर द पर्सनल एंड फेसलेस ब्यूरोक्रेसी ठीक है पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद विचार का एक स्कूल है जो मानता है कि पश्चिम विश्व आ, समाज व्यक्तिगत और फास्ट फेसलेस नौकरशाही के चर्चा में पुरानी गई है मतलब क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी है ना पता है क्या है कुछ नहीं है एक बिना चेहरे वाला और बिना पर्सन वाला ब्यूरोक्रेसी ही है ठीक है नेक्स्ट है जीन फ्रेंको इस सम ड अप पोस्ट मॉडर्निज्मेडिबिलिटी टूअर्ड्स मेटा नरेटिव जीन फ्रैंकोस लोटार्ड ने उत्तर आधुनिकतावाद को मेटा कथाओं के प्रति अशविश्वसनीयता के रूप में अभिव्यक्त किया था राइट right. चलो नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव दैट ट्रूथ इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि सत्य सापेक्ष है और निरपेक्ष नहीं है यानी कि रिलेटिव है हम किसी के संदर्भ में बोलते हैं कि कोई स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है राइट right? पोस्ट मॉडर्निज्म कंसिडर नेशनलिज्म एज अ रीज़न बिहाइंड वॉर ठीक है उत्तर आधुनिकतावाद राष्ट्रवाद को युद्ध का कारण मानता है ये क्वेश्चन में आया हुआ था काफ़ी बार पोस्ट मॉडर्निज्म कंसिडर द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ दमसेल्फ एज बींग इन एरर उत्तर आधुनिकतावाद ने अपने बाहर के जो जितने भी वर्ल्ड है ना उसको ट्रूटीपूर्ण माना है यानी बोले कि जो आपको बाहर का वर्ल्ड है वो सही नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल ऑफ थॉट इज कंसीडर्ड एज अ क्रिटिक्स ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ एटीन सेंचुरी एनलाइटनमेंट आधुनिकतावाद विचारधारा को अठारहवीं सदी के ज्ञानोदय के दृष्टिकोण की आलोचना माना जाता है कि वो उसके जो एटीन सेंचुरी में जितना भी एनलाइटनमेंट हुआ ना उसको कुछ न कुछ क्रिटिसाइज करता है किसी न किसी पॉइंट पे राइट right? नेक्स्ट अच्छा पोस्ट मॉडर्न कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस का नाम बताते हुए जेकुअस्ट डेरीदा जिन्होंने डिकन्स्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी माइकल फोकॉर्ट नॉलेज इज पावर नॉलेज इज एवरीवेयर फ्रेडरिक निशे ठीक है निशेर ठीक है अब इसमें कुछ बुक्स है द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स किसकी बुक है ये माइकल फोकॉर्ट की बुक है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ठीक है यानी कि चीज़ों वस्तुओं का क्रम ठीक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पागलपन और सभ्यता किसकी बुक है अगेन माइकल फोकॉर्ट इसका मुझे ईयर बताना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअलिटी ठीक है ये किसकी है ये भी आपकी माइकल फोकल्ट की ही बुक है नेक्स्ट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये क्या है ये बुक है किसकी जीन फ्रैंको स्लोटार्ट की इसका मुझे ईयर बताओगे आप इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट फिलासफी एंड द मिरर ऑफ नेचर ठीक है फिलासफी और द मिरर ऑफ नेचर किसकी बुक है ये रिचर्ड रॉर्थी की बुक है इम्पॉर्टेंट बुक है राइट कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रेगमेटिज्म व्यवहारिकता का क्या परिणाम होता है ये रिचर्ड रॉर्थी की बुक है नेक्स्ट कंटिजेंसी आरअनियन सोलडेलिटी रिचर्ड रॉर्थी ठीक है इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है जैसे ये है कि एक बार आपको पता चल जाए कि अच्छा हाँ ये भी बुक्स हैं एग्जिस्ट करती हैं एक स्टेटमेंट है फिलॉसफी शुड बी अंडरस्टूड एज नथिंग मोर देन अ कॉन्वर्सेशन दर्शन को एक बातचीत के अलावा और कुछ नहीं समझा जाना चाहिए कौन बोलता था ये चीज़ ये बोलते थे रिचर्ड थी ठीक अच्छा है नेक्स्ट बियॉन्ड गुड एंड ईविल यानी कि अच्छाई और बुराई से परे किसकी बुक है ये दिस इज फ्रें फ्रेडरिक निशे और इसका मुझे ईयर चाहिए ठीक है नेक्स्ट जीनोलॉजी ऑफ मोरल किसकी बुक है फ्रेडरिक निशे ठीक है राइटिंग एंड डिफरेंस एक बुक मार्जिन ऑफ फिलासफी दूसरी बुक स्पेक्टर्स ऑफ मार्क तीसरी बुक भाई कौन है ये ये है जैकुज डरीदा जैकुज डरिदा अब ये कल वीडियो आएगी कल सैटरडे है तो संडे को छुट्टी है तो बहुत सारी बुक्स है तो कोई बात नहीं याद आप कर लोगे राइट नेक्स्ट द सेक्शुअल पॉलिटिक्स किसकी बुक है केट मिलट की ईयर बता दोगे ठीक है द फीमेल इनाज किसकी बुक है जर्मन ग्रेयर की ईयर बता दोगे ठीक है द सेकेंड सेक्स किसकी बुक है सिमान द बेवर ठीक है ईयर कमेंट सेक्शन में वुमेन्स एस्टेट किसकी बुक है जूलियट मिशेल ईयर कमेंट सेशन में अ रफ राइट टू द फ्यूचर किसकी है जेम्स लवलॉक और जेम्स लवलॉक और किससे एसोसिएटेड है गाया हाइपोथेसिस ठीक है इससे भी एसोसिएटेड है द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम ठीक है किसकी बुक है दिस इज मुरे बुक चिन्ह इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम मुरे बुक नेक्स्ट सोशलिज्म एंड सर्वाइवल ठीक है समाजवाद और उत्तर जीवितता किसकी है रुडल्फ बहारो कैरोलिन मर्चेंट की एक बुक है डेथ ऑफ नेचर ठीक है डेथ ऑफ नेचर रुडल्फ बहारो की एक और बुक है फ्रॉम रेड टू ग्रीन ठीक है हरे से नहीं सॉरी रेड टू ग्रीन लाल से हरा ठीक है सोर्सेज ऑफ द सेल्फ हमारे खुद के सोर्सेज किसकी बुक चार्ल्स टेलर बीइंग एंड टाइम किसकी बुक मार्टिन हेडेकर ठीक है सो ये थी आज की इम्पोर्टेंट मेरी फैक्चुअल रिविजन की यार इम्पॉर्टेंट बुक आपको पता चल जाए मैच द फॉलोइंग में क्रोनोलॉजी में इन सब में अब आपका काम क्या है इन बुक पे रिसर्च करो ईयर आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी uh, देख सकते हो ठीक है ये सब चीज़ें देख सकते हो बट जिस जिसका मैंने ईयर पूछा है वो तो पक्का याद करना है बाकी ईयर इतने इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करो यार शेयर जितनी मर्जी हो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए राइट ओके बाय बाय मैं मिलती हूँ आपसे मंडे को नेक्स्ट फैक्ट के साथ ठीक है लेसन नंबर सिक्स के साथ जब तक संडे को क्या करना है ये पाँचों लेक्चर को आपको रिवाइज करना है ओके बाय बाय टेक केयर